हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से छत्तीसगढ़ का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, और मैं इसे बड़ा ही विस्तार से आप लोगों को समझाने वाला हूं। मैं ऐसे ही दोस्तों रोज़ दो वीडियो बनाकर आता हूं, एक विज्ञान का और एक छत्तीसगढ़ का। यदि आप चाहते हो कि मेरे वीडियो को प्रतिदिन अटेंड करें तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से मेरा वीडियो जैसे ही मैं डालूँगा आपके स्क्रीन पर तुरंत दिखा देगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की थी? तो महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की दो बार यात्रा की थी। दो बार, एक बार 2020 खेलने आया था, एक बार 2020 खेलने आया था और एक बार दो दो तीन तीन करने आया था। एक बार दो दो तीन तीन करने आया था, एक बार 2020 और एक बार दो दो तीन तीन। कैसे दोस्तों? तो 20 मतलब 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ आया था। 20 दिसंबर 1920 को पहली बार, तो ये 20 और ये 20, ये हुआ ना 2020। और एक बार दोस्तों दो दो तीन तीन करने आए थे, दो दो तीन तीन मतलब 22 नवंबर और तीन तीन मतलब 1933, तो 1933 को आए थे। तो दो बार छत्तीसगढ़ आए थे दोस्तों। तो प्रश्न, कई बार ऐसा भी बनता है कि पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी तो किस संबंध में आए थे? तो पहली बार जब आए थे तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था दोस्तों, उसी के संबंध में छत्तीसगढ़ आया था। लेकिन इस बार पीएससी बोर्ड ने असहयोग आंदोलन को भी लिया गया है, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। और जब दूसरी बार आया था दोस्तों हरजन उद्धार के लिए। ये इस तरह से दो बार आया था। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है दोस्तों कि पूछा जाता है कि जब पहली बार गांधी आया था तो गांधी के साथ कौन आया था? तो पहली बार जब आया था तो अली बंधु आया था, शौकत अली। पहली बार आया था तो गांधी अपने साथ शौकत अली को लेकर आए थे। और जब दूसरी बार आया था तो अपने साथ तीन और लोगों को आया था, मतलब पहली बार अपने आए थे और अपने साथ शौकत अली मतलब दो, और दूसरा बार आते हैं तो ये दो दूनी चार हो जाते हैं। तो पहली बार दो और दूसरे बार चार, तो चार कैसे? तो दो तो बता दें, महात्मा गांधी और शौकत अली पहली बार, और जब दूसरी बार आते हैं तो दुगना आ जाते हैं, दो से दुगना हो जाते हैं मतलब चार लोग आते हैं। तो म से महात्मा गांधी और म से महादेव देसाई और म से ही एक और नाम है, म से उसके साथ आते हैं दोस्तों मीराबेन, म से मीराबेन आते हैं, म से महात्मा गांधी, म से मीराबेन। और महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं दोस्तों, तो बापू से बापू होते हैं, तो ठक्कर बाबा भी आया था। तो इस तरह से चार लोग दूसरी बार आए थे, म से महात्मा गांधी, म से महादेव, म से मीराबेन और ठक्कर बाबा, चार लोग आए थे उस समय दोस्तों। जब आए थे तो उस समय जो महादेव देसाई थे तो उसके निज सचिव बनकर महादेव देसाई आया था महात्मा गांधी के साथ। तो ये था महात्मा गांधी के संबंध में फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि उस समय और कौन कौन लोग आए थे। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद दो बार और महात्मा गांधी भी दो बार, राजेंद्र प्रसाद दो बार, और सरदार पटेल भी दो बार आते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहे हैं तो देखो समझा रहा हूँ, कब कब आए हैं दो बार। तो महात्मा गांधी का बता दिया हूँ, राजेंद्र प्रसाद जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी के बाद कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद आते हैं। तो 20 में महात्मा गांधी आते हैं, तो 21 में कौन आते हैं दोस्तों? तो 21 में राजेंद्र प्रसाद आते हैं, 21 में राजेंद्र प्रसाद आते हैं छत्तीसगढ़, और अपने साथ साथ तीन और लोगों को लेकर आते हैं, राजगोपालाचारी और उसके साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान आते हैं दोस्तों। तो ये राजेंद्र प्रसाद पहली बार आता है, एक हो गया पहली बार। और दूसरी बार कब आते हैं? तो मैं बताया हूँ, जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं तो उसके जस्ट बाद
कौन आता है, राजेंद्र प्रसाद। तो 20 के बाद 21 में ये आया था और 35 से गांधी आता है तो ये 35 में आता है 1935 में। अब 1935 में जब आते हैं फ्रेंड्स तो 1935 में ये रायपुर आते हैं। कहाँ आते हैं, रायपुर में जिला परिषद के सम्मेलन में, रायपुर जिला परिषद का सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। कौन, तो राजेंद्र प्रसाद दूसरा बार आते हैं। तो इस तरह से दो बार आते हैं और मैं बताया हूँ दो बार सरदार पटेल आते हैं। तो सरदार पटेल दो बार, तो कब आते हैं सरदार पटेल, तो सरदार पटेल दो बार आते हैं। एक बार कब आते हैं, तो एक बार सरदार पटेल 40 में आते हैं 1940 में और दूसरी बार 1947 में 1940 और 1947 में। तो 1940 में क्या करने आए थे कि ये रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने आए थे पहली बार जब 40 में आए थे, तो रायपुर के कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने आए थे। और 1947 का तो दोस्तों सबको पता होगा, जब दूसरी बार आया था तब ये जितने भी भारत में रियासत थे उस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के संबंध में आया था। तो उस समय छत्तीसगढ़ भी आया था 1947 में, ये रियासतों को मिलाने के संबंध में आया था। तो रियासतों को मिलाने के संबंध में सरदार पटेल दूसरी बार छत्तीसगढ़ आया था 1947 में, पहले 40 में। और दोस्तों ये था राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल और गांधी, ये तीनों दो दो बार आए हैं और एक एक बार तीन व्यक्ति भी हैं, तीन व्यक्ति दो दो बार और तीन व्यक्ति एक एक बार। तो देखते हैं कौन कौन है जो एक एक बार आए हैं। तो 1918 में फ्रेंड से कौन आते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक आते हैं। बाल गंगाधर तिलक कब आते हैं, 1818 में। बाल गंगाधर तिलक 1818 में क्यों आते हैं कि ये अपना होम रूल लीग चला रहा था, होम रूल लीग, तो इसके प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद एक जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू एक बार आए हैं। कब आए हैं, तो ये 1935 में आए फ्रेंड्स, कब आए हैं 1935 में। और क्या करने आया था, ये शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था, शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ आया था। तो ये है जवाहरलाल नेहरू। तो मैं दो लोगों को बताएं, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, मैं तीन बताए हैं, तीन दो बार आए हैं और तीन एक बार। तो तीसरा है मदर टेरेसा, तीसरा नाम है मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा कब आए थे छत्तीसगढ़, तो ये 1931 में। कहाँ आए थे, तो ये भिलाई में। कहाँ आए थे फ्रेंड्स, भिलाई में आए थे, भिलाई में मिशनरीज आश्रम के उद्घाटन करने आए थे फ्रेंड्स। ये है जितने भी छत्तीसगढ़ आए हैं राजनेता, उस सब की जानकारी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूची अ, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को सूची ब, आंदोलन में शामिल व्यक्ति, असहयोग आंदोलन की गतिविधि और आंदोलन में शामिल जो व्यक्ति हैं उसे सम्मिलित कीजिए। तो सूची अ में क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन 1920 में चल रहा था तो उसमें क्या क्या गतिविधि हुआ वो है। और सूची ब में व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो चलो दोस्तों इसे विस्तार से समझते हैं। तो पहले असहयोग आंदोलन में क्या कह रहे हैं, वकालत की त्याग। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो यही से हुआ था, वकालत की त्याग से। और वकालत के त्याग दोस्तों 8 लोगों ने किया था, 8 वकील ने अपने वकालत, अपने पद का त्याग करके किया था दोस्तों। तो 8 लोग कौन कौन थे, तो एक तो आपके बैरिस्टर छेदीलाल, फेमस नाम बैरिस्टर छेदीलाल, और ये ठाकुर प्यारेलाल, और तीसरा नाम है घनश्याम सिंह गुप्ता, रत्नाकर झा, रामदयाल तिवारी और यादव राव देशमुख, एक नाम है फ्रेंड्स राघवेंद्र राव, और एक और नाम है साथ हुआ एक और खान खोजे। इस तरह से 8 व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वकालत का त्याग कर दिया। ऑप्शन बी में दिया गया है राय साहब पदवी का समर्पण। तो राय साहब पदवी का समर्पण करने वाले थे वामाराव लाखे, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, वामाराव लाखे ने किया था राय साहब पदवी का जो समर्पण किया था वो वामाराव लाखे थे। और जब ये पद का त्याग किए थे तो इनसे जनता द्वारा एक लोकप्रिय का उपाधि दिया गया, किसे, वामाराव लाखे को। तो ये
राय साहब पदवी का समर्पण वामाराव राखे और वकालत का जो त्याग किया था वो है ठाकुर प्यारेलाल। तो इस तरह से ए का आपकी इसके साथ जुड़ जाएंगे और बी का वामाराव लाखे के साथ। तो बी विधानसभा सदस्य सदस्यता का त्याग किसने किया है फ्रेंड्स? तो विधानसभा सदस्य की त्याग बाजीराव कृदंत ने किया था। बाजीराव कृदंत ने, ये धमतरी के विधायक थे फ्रेंड्स। जो बाजीराव हैं ये कहाँ का? धमतरी के विधायक थे। क्या थे? विधायक थे। और ये अपने विधायक के पद को फ्रेंड्स क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे ये हमारे स्वतंत्रता के लिए दोस्तों देखो अपने पद का, कोई विधायक के पद का तो कोई अपने वकालत के पद का त्याग कर दिया था। देखो हमारे लिए कितना गर्व की बात है और आज के समय में ऐसा कोई नहीं कर सकते। और एक बात और याद रखना, जैसे वामाराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दिए थे लोकप्रिय के, तो वैसे ही लोकप्रिय की उपाधि बाजीराव को भी दिया गया। लोकप्रिय की उपाधि बाजीराव को भी जनता द्वारा ही दिया गया। तो ये है आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। इसके आपसे ऑप्शन आ जाएंगे दो, एक ये डी ऑप्शन आएंगे। बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, जो बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं है करके बोल रहे हैं। तो ठाकुर छेदीलाल ये बिलासपुर से थे, यदुनंदन प्रसाद ये भी बिलासपुर से, अमरनाथ के कोई नाम का नहीं था ऐसा, चिंतामणि और तलवार ये भी बिलासपुर के थे। तो ये उत्तर में सही आएंगे, ये बिलासपुर से नहीं थे। अगला प्रश्न है, बिलासपुर की वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर की वानर सेना के संस्थापक वासुदेव रस थे। बिलासपुर के वानर सेना के संस्थापक कौन थे? वासुदेव रस थे। और रायपुर का भी आता है फ्रेंड्स एक प्रश्न, रायपुर से ही बनते हैं। तो रायपुर के वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बलिराम। कौन थे? बलिराम आज़ाद। बलिराम आज़ाद रायपुर से और बिलासपुर के वासुदेव देवरस, ये वानर सेना के संस्थापक थे। जब वानर सेना की बात हो रहे हैं तो दोस्तों वानर सेना वो राम और हनुमान वाला वानर सेना नहीं है, ये वानर सेना तो फ्रेंड्स ये सविनय अवज्ञा एक आंदोलन चल रहा था मांझी द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस समय आंदोलन चल रहा था तो उसी का ये हिस्सा था वानर सेना। वानर सेना में क्या होता था, जो छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल वाले वो सब इसमें शामिल होते थे। इन लोग प्रदर्शन करते थे सुबह सुबह और लोगों में क्रांतिकारी जगाने के लिए अपना रैली निकाल कर फिर आ जाते थे। तो इस तरह से वानर सेना चलते थे उसी समय दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एक व्यक्ति है यति यतनलाल, एक व्यक्ति है यति यतनलाल। ये यति यतनलाल ने एक पुस्तकालय की स्थापना किया था फ्रेंड्स। मैं आपसे चाहूँगा कि इसकी उत्तर आप कमेंट्स में मुझे देना, वो पुस्तकालय का क्या नाम था, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो आप यति यतनलाल के उत्तर को कमेंट करके बताना मुझे। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो हॉलैंड का इतिहास लिखने वाले कौन थे? तो वो बैरिस्टर छेदीलाल थे। कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल ने हॉलैंड का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूरत का अधिवेशन। तो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, तो दो ऑप्शन नीचे में है। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से तीन व्यक्ति गए थे दोस्तों। सूरत तीन अक्षर से हैं सूरत, तो तीन लोग छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे। एक सुंदरलाल शर्मा, दूसरा नारायण मेघा वाले और एक तीसरा व्यक्ति शिवराम मुंजे थे। तीसरे से तीन व्यक्ति शामिल हुए थे। अब छत्तीसगढ़ से तो ये सुंदरलाल शर्मा आएंगे, नारायण मेघा राव वाले भी दिए हैं। तो ये सुंदरलाल शर्मा भी शामिल थे और कौन थे? नारायण मेघा राव, तो दोनों शामिल थे। तो प्रश्न में
प्रतिनिधित्व तो दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसे याद रखना क्या पूछा गया है, तो इसमें प्रतिनिधित्व मतलब नेतृत्व करता है, तो उस समय प्रतिनिधित्व किया था सुंदरलाल शर्मा ने, छत्तीसगढ़ की तरफ से सुंदरलाल शर्मा ने। और 1907 में फ्रेंड्स जब अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था राज बिहारी बोस ने, राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था फ्रेंड्स। और एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि 1907 में ऐसा क्या हुआ था कि दो गुट में जो कांग्रेस है वो बट गया था, तो एक चीज़ याद रखना दोस्त, एक ट्रिक है एक याद रखना, सूरज से क्या टूटते हैं दोस्तों, दिल टूटते हैं, सूरज से क्या टूटते हैं, लोगों का दिल टूटते हैं, तो कांग्रेस का भी सूरत में ही क्या हो गया फ्रेंड्स, टूट गया, सूरत में भी वो भी दो भागों में टूट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, एक नरम और दूसरा गरम, दो भागों में प्रश्न बनता है कि नरम और गरम दल दो भागों में कांग्रेस का गुट कब कौन सा अधिवेशन में टूटा, तो वो 1907 में और साथ ही सूरत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सूरत उस समय दो भागों में ये घटना पूरे भारत में घटे थे, पूरे कांग्रेस के साथ दो भाग में बढ़ गए थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस अधिवेशन है जो कांग्रेस गुट था वो भी दो भाग में टूट गया, तो नरम दल से तीन लोग थे, नरम दल से सुंदरलाल शर्मा, ये सुंदरलाल शर्मा और एक व्यक्ति था हरी सिंह गौर, हरी सिंह गौर ये नरम दल के थे, हरी सिंह गौर और एक व्यक्ति था माधेलकर, माधेलकर और माधेलकर से ही माधव राव सप्रे और माधव राव जो सप्रे थे ये गरम दल के थे, माधव राव सप्रे गरम दल के थे। गरम दल में दादा साहब खापड़े थे, ये गरम दल के थे दादा साहब खापड़े, और जो हरी सिंह गौर और सुंदरलाल शर्मा जो थे वो नरम दल के थे। तो इस तरह से सूरत अधिवेशन, ये आपको ऐसा तो नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि क्या सर ने उटपुटांग सवाल पूछ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी सवाल हैं फ्रेंड्स ये सब पेपर में आए हुए हैं, अभी जो प्रश्न बना है ये मैं नहीं बना हूँ, ये बोर्ड ने बनाया है, पीएससी ने, और ये सभी प्रश्न आ गए हैं, मैं तो बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से प्रश्न आते हैं, और इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। चलो अगले प्रश्न में आते हैं, सातवां प्रश्न है रायपुर केस के प्रमुख हीरो, रायपुर जो केस हुआ था उसमें से प्रमुख हीरो कौन है, तो उस समय 1942 की बात है, 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, तो उस समय जो परशुराम सोनी, उस समय जो रायपुर केस है सुधीर मुखर्जी भी शामिल था, रणवीर भी शामिल है, क्रांति कुमार भारती भी शामिल है, परशुराम सोनी चारों शामिल थे, इसमें पूछा गया प्रश्न में प्रमुख हीरो को, तो आप प्रश्न को ऐसे समझो कि इसमें पूछा क्या गया है, तीसरे प्रमुख हीरो मतलब नेतृत्वकर्ता को पूछे गए हैं, तो ये नेतृत्वकर्ता में परशुराम सोनी आएंगे, तो चारों शामिल थे लेकिन प्रमुख कौन थे, परशुराम सोनी। 1942 में रायपुर में क्या किया थे जो परशुराम सोनी और उनके जो साथी थे, रिवाल्वर और विस्फोटक सामग्री का प्रशिक्षण ले रहे थे और सारी चीज़ बनाकर क्या कर रहे थे, ये जो विस्फोटक सामान थे, तो रायपुर में इन्हें छिपाने के लिए जगह का चुनाव किया था, तो जगह थे वो ईदगाह भाटा और रावण भाटा, ये दोनों जगह छिपाना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम रहता है शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद क्या करते हैं, ये अंग्रेज़ों के साथ मुखबरी करके क्या कर देते हैं, ये पकड़वा देते हैं, तो ये असफल हो जाते हैं। ये है रायपुर केस। अगला प्रश्न है राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहाँ शासक कौन थे, जब उस समय बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हुआ था, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो उस समय के राजा थे बलराम दास, राजा बहादुर बलराम दास उस समय राजा थे, कब की बात है 1892 की बात है, 1892 में। और फिर से इतना याद रखा है ये बलराम दास के सहयोग से ही ये जो मिल है कॉटन मिल है BNC ये निर्माण हो पाया था, और ये निर्माण करने वाला एक कंपनी था मुंबई का, और 1892 के बाद 1897 में कोलकाता की कंपनी आता है, इसका नाम बदल के BNC कर दिया जाता है, इसका नाम BNC कर दिया जाता है, कि राजनांदगांव रियासत के कॉटन मिल का है BNC का। अगला प्रश्न फिर से आया है असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद मतलब दंडाधिकारी के पद त्याग देने वाला इनमें से कौन सा व्यक्ति है, जो दंडाधिकारी के पद त्याग देते हैं वो कौन सा व्यक्ति है, तो व्यक्ति है फ्रेंड्स शमशेर खान है फ्रेंड्स,
काजी शमशेर खान भी कहते हैं इसे। काजी शमशेर खान इन्होंने क्या किया था, अपने जो दंडाधिकारी पद था, इतना बड़ा पद, इसे त्याग दिया था दोस्तों। हमारे आज़ादी के लिए इन्होंने अपने दंडाधिकारी पद को त्याग दिया था, किसी ने अपने वकालत त्याग दिया था, तो किसी ने अपने विधायक के पद को त्याग दिया था। और आज क्या हो रहे हैं, विधायक अपने पैसा कमाने के लिए बहुत सारा, खैर वो बात छोड़ो, हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो जो काजी शमशेर खान था वो अपने विधायक का पद त्याग कर दिया था, ये नवा प्रश्न है। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में, तो छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई है करके पूछ रही हैं, तो ये लिखी गई है बिलासपुर के जेल में। तो बिलासपुर के जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता जो है उसे लिखा गया है। अब प्रश्न ऐसा भी बनते हैं फ्रेंड्स कि जो पुष्प की अभिलाषा है इसे कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, तो ये लिखने वाला का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी रहते हैं ये बिलासपुर में एक भाषण देते रहते हैं 1921 में भाषण देते रहते हैं। तो उस समय क्या होते हैं, अंग्रेज लोग इसे गिरफ्तार कर लेते हैं आपत्तिजनक भाषण के विरोध में। और जब ये बंद रहते हैं तो 1922 में पुष्प की अभिलाषा की रचना बिलासपुर में करते हैं। तो ये 1922 की बात है, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, तो ये बिलासपुर में लिखा गए हैं। तो ऐसे ही एक रायपुर के जेल में लिखा गए हैं, रायपुर के जेल में असहयोग आंदोलन के द्वारा एक और रचना हुआ है, उस रचना के नाम मुझे आप कमेंट करके बताना और कौन लिखा है उसका भी नाम बताना। ये दोनों का उत्तर मैं कमेंट पे देखूंगा। एक और प्रश्न दिया हूँ, सविनय आंदोलन के दौरान एक पुस्तकालय की गठन हुआ था और जिसके गठनकर्ता का नाम भी बता दें हूँ यति यतनलाल, तो पुस्तकालय का क्या नाम है उसका भी उत्तर आप उन्हें कमेंट करके देना। और जो सविनय अज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था तो 30 की बात है, और असहयोग आंदोलन 20 से लेकर 22 की बात है, तो दोनों का उत्तर आप कमेंट में मुझे लिखकर बताना। चलो जितने भी पढ़े उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की है, तो महात्मा गांधी 2 बार, राजेंद्र प्रसाद 2 बार, और एक और व्यक्ति हैं सरदार पटेल, वो 2 बार, 3 व्यक्ति 2 बार और 3 व्यक्ति एक एक बार, बाल गंगाधर तिलक 1 बार और जवाहरलाल नेहरू 1 बार और 1 बार कौन, मदर टेरेसा। तो इस तरह से यात्रा किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ गतिविधि हुआ था, तो उस गतिविधि में क्या क्या घटना हुआ था, तो उस गतिविधि में वकालत के त्याग ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, राय साहब पद के त्याग वामाराव लाखे और विधानसभा विधायक के पद के त्याग बाजीराव कीर्तन, और रायपुर के रावत भाटा में जो खादी पर प्रदर्शन हो रहा था उसका जो प्रदर्शन कर रहे थे श्रीमती अंजुम बेगम। तो इस तरह से सहवाल थे, और जो बाजीराव थे वो धमतरी के विधायक थे जिन्होंने अपने पद का त्याग किया। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि बिलासपुर की वानर सेना के संस्थापक कौन है, ईश्वरी ये गलत उत्तर लिखा है, ये उत्तर आएगा वासुदेव देवरस। बिलासपुर से जो वानर सेना के संस्थापक थे वो वासुदेव थे, और रायपुर का बलिराम आज़ाद, रायपुर वाला बलिराम आज़ाद और बिलासपुर वाला वासुदेव देवरस, तो ये गलत हैं। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु एक अच्छे सेवक भी थे, इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास, तो हॉलैंड का इतिहास बरिस्टर छेदीलाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन, सूरत कांग्रेस में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का वो 1907 में होता है, तो छत्तीसगढ़ में से प्रतिनिधित्व करने वाला कौन थे, तो सुंदरलाल शर्मा थे। ये सूरत जो बना है 3 अक्षर से बना है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग शामिल रहते हैं, कौन कौन, तो खुद सुंदरलाल शर्मा रहते हैं जो प्रतिनिधित्व करता है, इसके साथ साथ नारायण मेघा वाले और एक मुंजे रहते हैं शिवराम मुंजे, तो 3 लोग शामिल रहते हैं। और इसमें प्रमुख घटना घटते हैं कांग्रेस का 2 भागों में टूटना, कांग्रेस 2 गुट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट जाते हैं 2 भाग में, तो कांग्रेस की घटना घटते हैं जो 2 भागों में टूट जाते हैं। अगला सवाल है रायपुर केस की प्रमुख हीरो कौन है, तो इसका प्रमुख नेतृत्व करते हैं परशुराम सोनी है। राजनांदगांव रियासत में जो काटन मिल है उसकी स्थापना के समय वहाँ के राजा कौन थे या शासक कौन थे, तो बलिराम दास था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद मतलब दंडाधिकारी के पद त्याग देने वाले इनमें से कौन है, तो ये नाम है काजी शमशेर खान अपने दंडाधिकारी का पद त्याग कर दिया था। और बिलासपुर के जेल में पुष्प की अभिलाषा की
रचना की जाती है। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और एक आपको कमेंट में उत्तर लिखने के लिए बोला हूँ, वो रायपुर की जेल में लिखा गया है, उसका उत्तर आप लोग देना। तो मैं ऐसे ही रोज़ दो वीडियो ला रहा हूँ फ्रेंड्स और बड़ा विस्तार से समझा रहा हूँ विज्ञान और छत्तीसगढ़। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जाके बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन क्लिक करने से दोस्तों मेरे वीडियो जब भी मैं डालूँगा आपके स्क्रीन में तुरंत दिखा देगा दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले दिन फिर मिलेंगे।